धार जिले के गंधवानी में गौशाला के उद्घाटन के दौरान वन मंत्री उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है। वह बोले कि मोदी शाह पहले बताएं कि आपके पास आपके पूर्वजों के क्या प्रमाण है, फिर जनता से पूछे कि तुम कितने साल से हिंदुस्तान में रह रहे हो। झारखंड के प्रभारी मंत्री व मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार धार जिले के गंधवानी के पास का बारवा गांव में गौशाला का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। वन मंत्री उमंग सिंघार ने एक बड़ा बयान दिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों जनता को बताएं 1951 से पहले के उनके दादा परदादा के दस्तावेज के प्रमाण है कि नहीं, उसके बाद देश की जनता से पूछे जब भारत सरकार ने आधार कार्ड को मान्यता दी है तो फिर CAA व NRC लाकर जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है। वह बोले कि मोदी जी जनता के सामने कह रहे हैं CAA व NRC लागू नहीं और अमित शाह लोकसभा में कह रहे हैं CAA व NRC दोनों लागू होंगे, तो जब दोनों आपस में एक नहीं है तो स्वाभाविक है इनमें भी मनमुटाव है। सब आदिवासियों की जमीन छीन रही थी, वहाँ के सब आदिवासी एक हो गए, मूलवासी अन्य समाज के OBC सब एक हो गए, तो भाजपा को बाहर कर दिया। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर CAA NRC आप तो समझोगे नहीं, आधार कार्ड तो सबने बनाया ना, कितने लोगों के आधार कार्ड बने, हाथ ऊंचा करो। अभी आधार कार्ड तुम्हारे कोई काम का आने वाला नहीं है। इसलिए कि अब NRC आ जाएगा, CA आ जाएगा, मतलब आप यहां इस देश के रहने वाले हो कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। जो दादा परदादा हमारे इतने सालों से जंगलों में रहते आ रहे, ये हमारी जमीन हमारी, लेकिन आपसे प्रमाण मांगेंगे, कागज मांगेंगे, ये भाजपा सरकार, दिल्ली की सरकार कि प्रमाण दो, 1951 के पहले का प्रमाण दो। अब किस आदिवासी भाई के पास, किसान भाई के पास है, बताओ 1951 के पहले कोई प्रमाण कि तुम्हारे दादा पिताजी का प्रमाण पत्र है कोई?